नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौकसी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सत्ता के सारथी। हमेशा की तरह इस बार हमारे खास मेहमान हैं, खास सारथी हैं, जो राज्य पुलिस सेवा से आते हैं। 25 साल की सर्विस हो चुकी है। इंदौर में ड्रग वाली अंटी का मामला हो या हनी ट्रैप का मामला, दोनों ही मामलों में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ऐसे अफसर हैं हमारे साथ, तो आइए मिलिए भोपाल नॉर्थ के SP विजय खत्री जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। शुरुआत शुरू से करते हैं सर, आपका बचपन कहाँ बीता? मेरा जन्म मध्य प्रदेश के उस समय के सबसे छोटे जिले दतिया में हुआ था। वहीं मेरा बचपन बीता, वहीं मेरी शुरुआती एजुकेशन भी हुई, बल्कि कहें तो ग्रेजुएशन तक वहीं मेरी पढ़ाई लिखाई हुई। हमने सुना दतिया के सरकारी स्कूल में आप पढ़े हैं। बिल्कुल सही सुना है आपने, मेरी शुरुआती पूरी शिक्षा दीक्षा सरकारी स्कूलों में ही हुई, बल्कि कॉलेज भी मेरा सरकारी उसमें ही हुआ जी। और हम जब स्कूल में पढ़ते थे, जिस स्कूल में, मुझे आज भी याद है कि जब भी थोड़ी बारिश होती थी तो हमारी छुट्टी हो जाती थी जी। क्योंकि स्कूल इतना जर्जर था कि टीचर्स को डर लगता था कि कभी इसकी छत गिर जाएगी तो बड़ा कांड हो जाएगा। तो जैसे ही थोड़ी सी बारिश होती थी तो हमारी छुट्टी होती थी, तो हम लोग जी बारिश का इंतजार करते रहते थे कि बारिश होगी तो हमारी छुट्टी हो जाएगी। जी आज के लोग सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं पढ़ाते हैं। अब हम देखते हैं कि सरकारी स्कूल के लोग भी, जैसे आप भी हैं, इतने ऊपर पहुंच गए हैं, वरिष्ठ अधिकारी बन गए, कई अधिकारी ऐसे, तो क्या परिस्थितियां थी पहले और अब क्या बदलाव देखते हैं? बदलाव ज़्यादा ऐसा नहीं है, बस इतना ज़रूर कह सकते हैं कि उस समय के जो हमारे मॉरल वैल्यूज़ थे उसमें अब थोड़ी सी कमी आई है। उस समय जो सरकारी नौकरी में रहते थे, भले ही वो टीचर्स हों या डॉक्टर्स हों या अन्य किसी विभाग के हों, इवन पुलिस भी हो, उस समय लोग ज़्यादा शिद्दत से, ईमानदारी से अपना काम करते थे और जो काम नहीं करते थे उनको गिल्ट फील होता था। अब थोड़ा सा इस मामले में मैं कहूँगा कि थोड़ी गिरावट आई है, तो इसलिए सरकारी स्कूलों में भी पढ़ने वाले, जैसे हम लोग जो पढ़ने वाले थे तो अकेला मैं ही नहीं बल्कि ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स अच्छी अच्छी जगहों पर हैं, कुछ तो विदेशों में भी हैं और बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी भी हैं। तो ऐसा उस समय तो नहीं था कि सरकारी स्कूलों में अगर हम लोग हैं तो वहाँ पढ़ाई नहीं हो रही या हम लोगों को कोई अवसर की कमी है। सरकारी स्कूल दतिया से जीवाजी यूनिवर्सिटी तक का सफ़र आपका कैसा था? सफ़र तो मेरा अच्छा था बहुत। हम लोग पढ़ाई के साथ साथ खेलते कूदते भी थे, स्कूल भी जाते थे, छुट्टी भी मारते थे, सब तरीके की गतिविधियां करते थे। लेकिन उस समय थोड़ा हमारे घर वालों का भी कुछ ऐसा रहता था कि वो भी ज़्यादा चिंता नहीं करते थे कि हम क्या कर रहे हैं, और वो दौर तो ऐसा दौर था कि हर आदमी स्वयं ही आत्मनिर्भरता के साथ अपना पढ़ाई भी करता था। उसको जैसे ही दिसंबर जनवरी आता था तो अपने आप ही हम लोग संभल जाते थे कि अब पढ़ाई करनी है, अब एग्जाम आने वाले हैं। और कुल मिलाकर के अच्छा ही रहा और मैंने BSc तक दतिया में ही पढ़ा जी। और मैं BSc में टॉपर भी था अपने उसका, मैथमेटिक्स साइड का जी। उसके बाद फिर मैंने MCA किया है ग्वालियर से, माधव इंजीनियरिंग कॉलेज से। कब लगा आपको कि पुलिस सेवा में आना चाहिए या इंजीनियर बनना चाहते थे? नहीं, मैंने MCA किया था तो उसी समय ये तय था कि मुझे कंप्यूटर में करियर नहीं बनाना है जी। मैंने सिर्फ कंप्यूटराइजेशन में PG किया क्योंकि मुझे PG इसलिए करना पड़ा था, मैंने 20 साल की उम्र में ग्रेजुएशन पूरा कर लिया था जी। तो उस समय कोई भी परीक्षा में मैं बैठ नहीं सकता था, 21 साल मिनिमम एज होती है। तो मैं बेसिकली MSc ही करना चाह रहा था, लेकिन MCA के एंट्रेंस से मेरा सिलेक्शन हो गया तो सभी ने मुझे कहा कि MCA करना ज़्यादा अच्छा है, ये नई डिग्री है और कंप्यूटराइजेशन है। तो मैंने MCA कर लिया, लेकिन शुरू से ही मुझे प्रशासनिक सेवा में ही जाना था। बचपन से ही मेरा सपना था कि मैं प्रशासनिक सेवाओं में ही जाऊँगा। पुलिस में जाना या नहीं जाना ये चॉइस नहीं थी, प्रशासनिक सेवाओं में जाना चॉइस थी और वही, उसी के लिए मैंने प्रयास किया और UPSC की तैयारी ही में ही था मैं। आप प्रशासनिक सेवा में आना थी, क्या वजह थी, किससे प्रेरित थे आप? हमारे छोटे से शहर में जी कलेक्टर बहुत बड़ा होता था, तो बचपन से ही मुझे लगता था कि बनो तो कलेक्टर बनो, नहीं तो क्या बनना।
तो इस तरह से शुरू से ही कोई एक व्यक्ति मेरा प्रेरणा स्रोत नहीं था। मेरे बचपन में जितने भी वहाँ प्रशासनिक अधिकारी पदस्थ हुए, मैं हमेशा ही उनको बिल्कुल ऐसी निगाहों से देखा करता था कि कितना अच्छा इनका रुतबा है और कितना अच्छा है। वो लोग आते थे हमारे स्कूलों के कार्यक्रमों में या अन्य कार्यक्रमों में, तो देखा करता था। उसी से धीरे धीरे मेरे मन में ये इच्छा स्ट्रांग होती चली गई और मैंने फिर उसी को। सर, आप प्रशासनिक सेवा में आ गए, पुलिस महकमे में आना चाहते थे या नहीं आना चाहते थे? यदि पुलिस में आके आपको क्या लगता है? मैंने एक ही बार पीएससी एग्जाम दिया और पहली बार में मेरा सिलेक्शन डीएसपी के लिए हो गया था जी। तो जैसे ही मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं थोड़ी पृष्ठभूमि आपको बताना चाहता हूँ। जी बिल्कुल बताइए। मैं एक्चुअली में दिल्ली में रह करके यूपीएससी की तैयारी कर रहा था जी, और वहाँ भी मेरा प्रिलिमिनरी में हो गया था। उसके बाद बीच में यहाँ के फार्म भरे जा रहे थे जी, तो वहाँ मेरे साथ जो लड़के रहते थे उन्होंने कहा था कि एमपी का फार्म भरना है, तो मैंने मना किया कि नहीं, एमपी का फार्म मुझे नहीं भरना है जी, पहले मैं यूपीएससी ही दूंगा। लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमें दो दो तीन तीन बार हम दे चुके हैं, अब हमारा लास्ट अटेम्प्ट है जी, तो अब हमने राज्य सेवाओं के लिए भी ट्राई करना शुरू कर दिया है। तो उसमें दतिया सेंटर है जी, तो फार्म भरते हैं दतिया सेंटर ले लेते हैं, तो चलेंगे तुम्हारे घर में रुकेंगे जी, तुम्हारा इच्छा हो तो परीक्षा देना, नहीं हो तो मत देना जी। ऐसे ये मतलब एक इस तरीके से मैंने फार्म भरा जी। फिर जब प्री की डेट आई तो फिर परीक्षा भी दे दी, परीक्षा दे दी तो हो भी गया, हो गया तो फिर मेंस भी दे ही दी, मेंस दे दी तो फिर इंटरव्यू भी दे दिया। मतलब घर वालों का भी दबाव बन ही जाता है कि भाई तुम्हारा जब हो गया है तो फिर नहीं देने का क्या मतलब है। सिलेक्शन हो गया, डीएसपी बन गए, सिलेक्ट हो गए डीएसपी में। रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद पूरे दतिया में इतनी तेजी से ये बात फैली और इतने लोगों ने बधाई दे दी कि मुझे खुद ही लगने लगा कि मैंने बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया जी जी। तो इसके बाद तो फिर मतलब नेचुरली अब इतना बड़ा पद मिल जाए तो फिर घर वाले हम लोग के इतने सक्षम भी नहीं थे, क्योंकि मैं बिजनेस फैमिली से हूँ और मैं पहला लड़का ही हूँ अपने परिवार का जो नौकरी में आया, तो ज्वाइन करना ही था। फिर तो हमारे पास कोई ज़्यादा चॉइस थी भी नहीं। कभी आपको नहीं लगा कि अब एमपीपीएससी में हो गए हैं, अब यूपीएससी में भी एक बार देने की कोशिश करें ताकि हो सकता है कि आईएएस या आईपीएस बन जाए? इसमें मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक ये हो गई कि मुझे बिल्कुल ही पता नहीं था सरकारी नौकरियों में प्रमोशंस के क्या नियम होते हैं, क्या नहीं होते। मैं बहुत ही साधारण परिवेश से आया हूँ जी। मतलब मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जब मैं घर में कहता था कि सरकारी नौकरी करूंगा मैं, तो मेरे घर वाले इमेजिन करते थे मैं सरकारी बाबू बनूंगा, क्लर्क बनूंगा। उन्होंने भी कभी नहीं सोचा था। और मेरे जो इर्द गिर्द का माहौल था वो बहुत पिछड़ा हुआ था। मतलब उनके लिए तो डीएससी बनना ही अपने आप में इतनी बड़ी बात है कि तो मेरा जब डीएसपी में हो गया तो फिर हर तरफ से मेरे ऊपर इस तरह का एक प्रेशर बना कि बहुत कुछ मिल गया, अब क्या है, अब क्या है। तो उसके बाद मैंने सेकंड टाइम, मेरा यूपीएससी की प्री में हो गया था, लेकिन मैंने मेंस नहीं दी। अच्छा, प्री में होने के बाद ही मेंस नहीं दी, लोगों का प्री में नहीं होता है, लेकिन मैंने प्री में हो जाने के बाद ही मेंस नहीं दी। और फिर मैंने कहा नहीं, बस अब तो हो गया, अब तो मैं बस ट्रेनिंग करने जाऊंगा और बस मुझे जितना मैंने सोचा भी नहीं था उससे ज्यादा मिल गया। उसकी वजह एक यही रही होगी कि कोई गाइड करने वाला नहीं था और उतनी वो समझ नहीं थी उस दौर में। ये बिल्कुल सही बात आपने कही, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। मेरी पूरा ये न तो मेरे घर में कोई बताने वाला था, न मेरे आसपास के परिवेश में कोई था। मेरे आसपास में जितने भी लोग मेरे टीचर्स रहे हैं या गुरु रहे, उनको भी लगता था कि पीएससी या यूपीएससी का सपना देखना भी गलत है। अब कभी आपको ऐसा मलाल लगता है कि हाँ वो चूक हो गई है, यदि हो जाती तो आज मैं बेहतर स्थान पे होता? मलाल तो नहीं, अब इसको हम क्या कह सकते हैं। अब हम तो यही सोचते हैं कि हमने दतिया जैसी जगह में और दतिया के भी एक बहुत ही पिछड़े हुए उससे एटमॉस्फेयर से निकल के इतना ऊपर आ गए, तो मलाल तो कभी नहीं हुआ। मन में यही सोचते हैं कि जो प्रारब्ध होता है वो ही मिलता है। होता प्रारब्ध तो कहीं ना कहीं से कोई गाइडेंस मिल जाता, कोई ना कोई बता ही देता, नहीं हुआ तो ठीक है। कहते हैं कि ट्रेनिंग बड़ी कठिन होती है, तो आपकी ट्रेनिंग का कोई किस्सा है क्या जो याद हो आपको? कहते हैं ट्रेनिंग बहुत कठिन होती है, लेकिन
मैं चूंकि बचपन से ही स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा मेरी रुचि रही है जी, और दतिया में थोड़ा माहौल भी था इस तरीके का, तो मुझे तो ट्रेनिंग में बिल्कुल ही परेशानी नहीं हुई। वहाँ जो सबसे टफ जॉब होता है वो होता है रस्से पे चढ़ना जी, उसमें करीब 20-25 फीट रस्से पे चढ़ना होता है, तो मैंने तो ट्रेनिंग के पहले दिन से ही रस्से में चढ़ना उतरना कर दिया था, तो मेरे सभी बैचमेट्स को बड़ा आश्चर्य भी होता था कि तुम तो इतने हल्के फुल्के हो, खटखट चढ़ जाते हो। हम तो उसका रीज़न बस यही था कि शुरू से ही बचपन से ऐसी गतिविधियों में रहे कि हमारे लिए ट्रेनिंग में जो भी कुछ हुआ मुझे कभी उसमें कठिन नहीं लगा। ट्रेनिंग के बाद होती है एक पोस्टिंग, पहली पोस्टिंग और पहला केस, पहले प्यार की तरह याद रहता है, आपका क्या था? मेरी पहली पोस्टिंग सरगुजा ज़िले में हुई थी प्रोबेशनर के रूप में, और यहाँ भी फिर वही बात आई थी, जब मेरी पोस्टिंग हुई तो मुझे पता नहीं था कि सरगुजा जाते कैसे हैं जी, तो बहुत मुश्किल से बहुत सारे लोगों से पूछने के बाद पता चला था कि उसके लिए जाने का रास्ता क्या है। खैर मैंने जा कर के सरगुजा में जाके ज्वाइन किया, उसके बाद जब मेरे को थाना प्रभारी का चार्ज मिला तो पहला केस जो मुझे मेरे सामने आया था, जो आज भी मुझे याद है, वो एक एक्सीडेंट का मामला था जिसमें एक आदमी को मतलब डेड बॉडी मिली थी रोड पर, कुछ रात में घटना हुई थी, कुछ पता नहीं था कि ये किस वाहन से टकरा के मरा है या कैसे, तो वो मैंने पहला केस था जो इन्वेस्टिगेट किया था और उसमें सफलता भी मिली थी और उस वाहन का भी पता लगा लिया था। और तो वो तो आप सही कह रहे हैं कि पहला केस जो होता है वो बिल्कुल याद रहता है। सर आपकी लंबी सर्विस हो गई, करीब 25 साल से आप पुलिस सेवा में हैं, बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभव भी होंगे, बहुत सारे ऐसे मामले भी होंगे जो आपके यादों में हों, ऐसा कोई मामला जो आपको आज भी भूले ना भूलता हो या याद आता हो, कभी भी जिक्र आता हो तो उस मामले का जिक्र करते हो आप? ऐसे तो बहुत मामले हुए हैं, बहुत सारे हुए हैं। एक जब मैं ग्वालियर में CSP था जी, तब एक छोटे से बच्चे का किडनैप हुआ था और उसमें हमने काफ़ी मेहनत की थी और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि हम उसको जीवित दस्तियाबी नहीं कर पाए थे और उसकी डेड बॉडी हम आगरा से बरामद करके लाए थे, उन्होंने उसको मार करके गाड़ भी दिया था। वो केस जरूर मैं अभी तक भूल नहीं पाया क्योंकि बहुत छोटा बच्चा था, 6-7 साल का था और परिवार भी कोई बहुत पैसे वाला नहीं था, नॉर्मल सा परिवार था। वो एक केस ऐसा था उसमें थोड़ा सा इस बात का मलाल रहता कि उसको अगर हम जीवित रिकवर कर पाते तो अच्छा होता, लेकिन उसमें साथ ही ये बात भी थी कि जब हमने आरोपियों को पकड़ लिया तो उन्होंने बताया था कि हमने पहले दिन ही इसको मार दिया था जी, जिस दिन किडनैप किया था, तो फिर हमने अपने मन को यही कह करके सांत्वना दे दी कि हमारी वजह से कोई कोताही नहीं हुई है, वो तो पहले दिन ही मार दिया, तो हमारे पास तो रिपोर्ट आने तक तो मर चुका था। तो ऐसा एक केस हुआ था जो आज भी मुझे याद है। सर पुलिस सेवा में रहने के बाद 24 घंटे का जॉब रहता है, फैमिली भी है आपकी, तो कैसे तालमेल बिठाते हैं आप? तालमेल तो बिठाना ही पड़ता है, मजबूरी भी है जी। और शुरू में जब मेरी पोस्टिंग्स हो रही थी तो वो लगातार देहातों में हो रही थी जी। मेरा एक ही बेटा है जी, उसके साथ बड़ी विडम्बना हुई कि क्लास 2 तक आते आते तक उसके 6 स्कूल चेंज हो गए थे। अच्छा, तो उसके बाद जब मैं डबरा में STO भी था तब हमने ये निर्णय लिया था कि अब इसको हम लोग बोर्डिंग में डाल देते हैं जी, नहीं तो ये बेचारा ऐसे ही सफ़र करता रहेगा और हर 8-10 महीने में ट्रांसफ़र हो जाएगा, स्कूल चेंज हो जाएगा। तो उसके बाद उसको हमने बोर्डिंग में डाल दिया था, तो 4th से लेकर के वो बोर्डिंग में पढ़ा। उसके बाद हमारी थोड़ी पारिवारिक दिक्कत कम हो गई थी क्योंकि फिर बेटा हॉस्टल में था तो हमें फिर कहीं भी पोस्ट हो जाती थी चले जाते थे, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी और फिर उसमें दिन रात वाले चक्कर की भी इतनी दिक्कत नहीं आई। क्या बार बार तबादले के पीछे कोई खास वजह थी या सिर्फ प्रशासनिक उससे तबादले होते रहते थे आपके? मेरे आधे ट्रांसफ़र ऐसे हुए हैं जो लोगों ने मेरे करवा दिए, उसके आधे ट्रांसफ़र ऐसे हुए हैं जो मैंने करवा लिए। लोगों ने करवा दिए मतलब? ऐसा पुलिस में तो बहुत होता है, अगर हम सभी की इच्छाएं हम कभी पूरी नहीं कर सकते और मेरा थोड़ा नेचर भी ऐसा है कि मैं परवाह भी नहीं करता हूं जी, तो इस वजह से 8-10 महीने साल भर के अंदर होते होते कोई ना कोई ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति जी मुझसे खफा हो जाता था और मेरा ट्रांसफ़र करा देता था। उसके बाद चूंकि प्रशासनिक मतलब हमारे वरिष्ठ अधिकारी मुझे हमेशा से लाइक करते रहे तो उसके 6-8 महीने बाद फिर मेरा प्रशासनिक तौर पे फिर अच्छी जगह हो जाता था। तो इस तरह का एक दौर मेरा चलता रहा,
एक प्रभावशाली व्यक्ति, वो कभी कभी राजनीतिक होता था, कभी कभी दूसरे प्रकार के लोग भी होते थे, वो लोग कभी मेरा ट्रांसफर करते थे, उनकी इच्छा होती थी कि मुझे पनिश किया जाए जी। फिर हमारे विभाग के सीनियर अधिकारी मुझे उससे भी अच्छी जगह भेज देते थे, तो ये दौर एक चलता रहा। तो मेरा जो अभी तक की नौकरी में करीब मेरे 23-24 ट्रांसफ़र हो चुके हैं, तो एवरेज मतलब एक साल का ही है जी। एक साल मैं अपनी मनमर्जी से रहता हूँ, एक साल फिर मुझे हटा करके दूसरी जगह रख दिया जाता है। मतलब आपके 25 साल में 25 तबादले हो गए हैं लगभग। हाँ। क्या देखते हैं आपके पुलिस पे राजनीतिक प्रेशर ज़्यादा रहता है या सिर्फ ये कहने की बातें हैं? यदि आपके तबादलों की बात करें तो एक तरह से राजनीतिक प्रेशर बहुत माना जाता है। राजनीतिक प्रेशर नहीं है, राजनीतिक जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनके पास बहुत सारे लोग जाते हैं जी, तो उनके पास ये चॉइस नहीं होती है कि वो उसमें वहीं बैठ करके तय कर सके कि कौन आदमी जो उनके पास आया है वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो उनके सामने मजबूरी होती है कि वो हर समस्या को हम लोगों के पास फॉरवर्ड कर देते हैं। फिर हर आदमी की इच्छा पूरी होती नहीं है जी। तो कई बार ऐसा हो ही जाता है कि कभी हमसे भी चूक हो जाती है, कभी सामने वाले को हम समझ नहीं पाते, कभी टेक्निकली ऐसी परेशानी होती है कि हम सबकी इच्छा पूरी कर नहीं पाते, तो फिर वो जा करके अपने तरीके से इस चीज़ को प्रेजेंट करते हैं, तो उसमें कभी कभी कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो जाते हैं और उसका परिणाम हमारे यहाँ ट्रांसफ़र होता है। जब आपके पास कभी कोई कठिन समय आता है आप तो किससे सीख लेते हैं, माता पिता से या दोस्तों से? असलियत में कठिन समय मुझे जब भी मेरी कोई गलत पोस्टिंग हो जाती है जी, तो उसमें भी मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं उसमें अच्छाइयाँ ढूंढ लेता हूँ, तुरंत अच्छाइयाँ ढूंढ करके अपने आप को बता देता हूँ, अपने घर में बता देता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है, इस पोस्टिंग में भी अपने को ये फ़ायदा हो जाएगा, वो फ़ायदा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ये सुविधा वो सुविधा, तो कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे धार बटालियन मेरी पोस्टिंग हुई थी, अलीराजपुर एडिशनल SP था, वहाँ मैंने कुछ अवैध शराब के तस्करों माफिया के विरुद्ध कार्रवाई कर दी थी जी, तो वो लोग नाराज होकर के मुझे धार बटालियन में करा दिया था। तो उसमें ही मैंने अपने परिवार को यही कह करके खुश कर दिया था कि मेरा बेटा उस समय इंदौर में पढ़ रहा था जी, तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, अपन इंदौर के पास पहुंच गए, अब बहुत फ्रिक्वेंटली इंदौर आना जाना हो जाएगा और बटालियन में ज़्यादा समस्या भी नहीं होती आने जाने की, तो और अच्छा ही हो गया। ये इस टाइप से मतलब हर चीज़ में अच्छा अच्छा ढूंढ लेते हैं। जब खत्री जी पुलिसिंग नहीं कर रहे होते हैं तब क्या करते हैं? फिल्म देखते हैं, गाने सुनते हैं? मेरा शगल तो आज भी खेल है जी, या तो मैं खेलता हूँ या खेल देखता हूँ जी, या तो TV पे खेल देखता रहता हूँ या मैं खुद खेलता रहता हूँ। क्या खेलना पसंद करते हैं? मैं तो सब खेलता हूँ, सब परिस्थितियों और सुविधा पे होता है। जब मैं छोटा था जी, तब हमारे दतिया में सिर्फ एक खेल था, उसका नाम था क्रिकेट जी, तब मैं क्रिकेट खेलता था। उस समय क्रिकेट खेल खेल के बड़े हुए जी, और उसके बाद जब नौकरी में आ गए तो गुना की पोस्टिंग के दौरान हमें वहाँ टेनिस खेलने की सुविधा मिली, तो टेनिस को अपना लिया, तो आज तक टेनिस ही चल रहा है। अब टेनिस खेलते हैं, टेनिस देखते हैं और वो सारे गेम, मैं तो सारे फुटबॉल भी देखता हूँ, देखने मुझे सारे गेम अच्छे लगते हैं। क्या गेम की तरफ आपका रुझान था? हाँ, बहुत ज़्यादा था। अगर उस समय, इसमें भी वही वाली बात है कि अगर उस समय भी मुझे कोई गाइडेंस मिल जाता तो हो सकता है मैं उस क्षेत्र में आगे चला जाता जी। एक आरोप हमेशा पुलिस पर लगता है कि उसका आम लोगों के साथ वार्तालाप जो रहता है वो ठीक नहीं रहता, तो कैसे देखते हैं आप वहाँ पुलिस की भूमिका और आम लोगों की भूमिका? नहीं, पुलिस का जो बर्ताव खराब होने की बात आती है, असल में ये समस्या हमारे साथ बहुत है। जो भी हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए आते हैं जी, या अब जैसे हम बड़े अधिकारी पास हमारे पास कोई कंप्लेंट करने आते हैं जी, तो ज़्यादातर लोग अपने हिसाब से अपनी कहानी को तय करके आते हैं जी, और फिर वो हमसे चाहते हैं, हमारे पर प्रेशर डालते हैं कि उनके हिसाब से ही हम चीज़ को एक्सेप्ट कर लें और कार्रवाई कर दें जी। और जबकि हमारे सामने हमेशा प्रॉब्लम होती है, हम कानून के दायरे से बाहर जाके कभी भी किसी की इच्छा पूरी नहीं कर सकते। तो इस वजह से लोगों के साथ लगातार एक ये कन्फ्लिक्ट बना रहता है, और हम कितना भी अच्छा व्यवहार कर रहे हो लेकिन सामने वाले को हमारा व्यवहार पसंद नहीं आता है। हम देखते हैं जैसे साइबर की बात हुई आपने कि हमारी पुलिस उतनी दक्ष नहीं है जितनी कि साइबर अपराधी दक्ष हैं, तो क्या कमी देखते हैं साइबर SP के तौर पर आप रहे हैं तो, और कैसे ठीक की जा सकती है?
कमी कुछ नहीं है, असलियत में क्या है, जो साइबर अपराधी हैं उनको सिर्फ साइबर में ही एक्सपर्ट होना है जी, लेकिन पुलिस के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि पुलिस को सब कुछ देखना है जी, अकेला साइबर ही नहीं देखना है, सब कुछ देखना है। तो जो जिला पुलिस होती है वो तो हर चीज़ में उसको अपना दखल रखना पड़ता है, इसीलिए साइबर क्राइम के लिए अलग साइबर सेल बनाए गए हैं और वो पर्याप्त दक्ष हैं और अच्छा काम कर लेते हैं, लेकिन काम बहुत ज़्यादा होता है तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, बाकी तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप इंदौर में एसपी रहे हैं, कई जगह पोस्टिंग रही आपकी, तो 25 साल में मध्य प्रदेश के लगभग अधिकांश जिलों में और बड़े जिलों में पोस्टिंग रही। भोपाल में आप पुराने शहर के एसपी हैं, वो जो अति संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है, यहाँ पे कहते हैं कि छोटी सी घटना पर भी तुरंत यदि आपने रिएक्शन नहीं किया तो बड़ी घटना बन जाती, तो यहाँ पोस्टिंग में आपको कौन सी चुनौतियाँ दिखती हैं? सबसे बड़ी चुनौती तो यही दिखती है, कम्युनल हारमोनी को बनाए रखना जी, क्योंकि यहाँ इतिहास रहा है कि बहुत छोटी छोटी बात में ही काफ़ी बड़ा विकराल रूप ले लेती है, और चूंकि ये प्रदेश की राजधानी भी है तो इस वजह से भी यहाँ ज़्यादा संवेदनशीलता है, तो सबसे बड़ी चुनौती तो हमारी यही है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं इन चुनौतियों से पार पा लूँगा जी, क्योंकि मैंने उज्जैन में भी नौकरी की हुई है, ग्वालियर में भी की हुई है, और भोपाल में भी पहले मैं नौकरी कर चुका हूँ, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा समस्या आएगी नहीं, क्योंकि मैं टीम भावना में विश्वास रखता हूँ और मैं अपनी टीम पे पूरा भरोसा करते हुए उन्हीं को आगे बढ़ा करके काम करता हूँ, तो मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। अलर्ट रहते हैं आप, कि फ़ोन बिल्कुल पास में रख के सोते हैं, या किस तरह से चेंज किया है आपने कि अति संवेदनशील क्षेत्र है इसलिए? नहीं, मुझे अलग से अपने लिए कुछ नहीं करना पड़ा, इतना ही अलर्ट में इंदौर में भी था, उज्जैन में भी था, या एसपी बड़वानी था तो बड़वानी में भी था, क्योंकि मेरी तो आदत है, मैं जब अगर फ़ोन कोई नहीं सुनूं तो मुझे उसका स्ट्रेस होता रहता है कि पता नहीं किसका फ़ोन होगा, पता नहीं क्या परेशानी होगी, क्या मुसीबत होगी, तो फिर मैं लगा ही लेता हूँ, तो इसलिए फ़ोन तो मैं हर सुन लेता हूँ और यहाँ भी सुन ही लेता हूँ, और यहाँ जो सौभाग्य से मुझे टीम मिली है वो बहुत अच्छी टीम मिली है और वो बहुत अच्छा काम करती है और कर रही है, तो मुझे तो बल्कि अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि इतनी अच्छी टीम मिली है कि मुझे लगता है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे इतनी अच्छी टीम मिली है यहाँ पर जी। इंदौर में जब आप एसपी थे वहाँ पे कोरोना व्यापक पैमाने पे फैल रहा था और एक टीआई की भी उसमें मौत हो गई थी, उस समय फोर्स में किसी तरह का वो आया होगा घबराहट, तो उसको आपने कैसे किस तरीके से उबारने की कोशिश की? सितंबर का महीना एक इतना कठिन महीना था हमारे लिए इंदौर में जी, जिस समय सेकंड वेव आई थी इंदौर में, और उस सेकंड वेव में हमारे पुलिसकर्मियों के ऊपर ज़्यादा फैला था, एक ही समय में मेरे 3 CSP, 1 एडिशनल SP और जी 2-3 थाने तो 100% कोरोना से इफेक्ट हो गए थे, उस समय बहुत पैनिक हो गया था एकदम से, और बहुत मुश्किल आई थी उस समय से, सितंबर के महीने में हमें लगने लगा था कि अब हम भी नहीं बच पाएंगे जी। उस समय भी मैं सबसे जा करके थानों में यही कहता था, कोरोना से डरो जी, डरना पड़ेगा, इसलिए जितना हो सके उतनी सावधानी बरतो, बिल्कुल किसी को पास मत आने दो, बिल्कुल किसी के पास मत जाओ जी, सबसे पहले अपने आप को बचाओ, सामने वाले को बचाओ, और बचा बचा करके नौकरी करो, इसमें कोई बहादुरी नहीं है, खुद को कोरोना मतलब इफेक्ट हो जाओ और पूरे परिवार के लिए परेशानी खड़ी कर दो, वो ठीक नहीं है, इस समय तो कोरोना से डरो लेकिन साहस मत छोड़ो जी, नौकरी करनी है, ये नहीं कि घर बैठ गए, घर नहीं बैठना है, काम पूरा करना है, और फ़ायदा मिला इस बात का, सभी लोगों ने पूरी बहादुरी के साथ उसका मुकाबला किया, उस कठिन परिस्थिति का सभी लोगों को बहुत टेंशन होता था, बहुत सारे हमारे अधिकारी होटलों में रुके हुए थे, वो घर भी नहीं जाते थे जी, मेरी भी फैमिली भोपाल में थी तो मैं भी अकेला ही रहता था वहाँ पे, तो किसी तरीके से हम लोगों ने उस कठिन समय को पार कर लिया, और बड़ी खुशी है इस बात की कि अब धीरे धीरे कोरोना काफ़ी कम हो गया है और उस कठिन समय से हम लोग हारे नहीं। सोशल पुलिस में जनता की क्या भूमिका देखते हैं आप? मुझे तो लगता है भारत का जो परिवेश है और भारत में जो समाज है, इसमें समाज के बिना पुलिसिंग हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ तो हमेशा से ही पंचायतों का और उसका
परंपराएं रही हैं। पुलिस तो असलियत में अंग्रेजों ने बनाई थी और उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाई थी जी। ये हमारी एक तरीके की कमी है कि हम पुलिस को अभी भी उसी ढर्रे पे चला रहे हैं जिस ढर्रे पे वो बनी थी, जबकि भारत में तो जो समाज है ये अपने आप में ही काफ़ी हद तक अपने मसले खुद ही सुलझाने में विश्वास रखता था। ये तो एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें समाज की सक्रिय भूमिका के बिना तो कुछ भी सफलता प्राप्त हो ही नहीं सकती, और हम लोग भी जो काम करते हैं या सफलता मिलती है उसमें भी पूरी तरह से जी समाज से ही मदद मिलती है, उसी के बाद हम कर पाते। आप जो लोग पुलिस में आना चाहते हैं उनके लिए कुछ टिप्स देना चाहेंगे? मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि पुलिस की सेवा हो या प्रशासनिक कोई भी सेवा हो, हमारी नीयत साफ होनी चाहिए, उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। अगर हम वास्तव में देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो हमें उसी दिशा में काम करना चाहिए। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी सेवा का बाहरी स्वरूप पुलिस है या रेवेन्यू है या कौन सा है। अगर हम वास्तव में सेवा करने के उद्देश्य से आए हैं तो फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पुलिस सेवा है या राजस्व सेवा है या कौन सी सेवा है। तो मैं सबसे यही कहना चाहता हूं कि अगर भगवान ने या उनकी किस्मत ने उनको ऐसी योग्य बनाया है और उसके अंदर इतनी प्रतिभा है कि वो इस तरह के मुकाम पे आए हैं, तो उनको पूरा प्रयास ये करना चाहिए जो हमारे देश का सबसे दबा कुचला पिछड़ा वर्ग है जिनकी कोई नहीं सुनता, उनके लिए जब भी मौका मिले कुछ करने का जरूर करना चाहिए। और अगर हम किसी के लिए कुछ कर पाते हैं तो यही हमारी सबसे बड़ी सफलता होती है। आप पुलिस में नहीं थे फिर पुलिस में आए, पुलिस के पहले आपकी क्या धारणा थी पुलिस को लेकर, आप क्या धारणा है, कुछ बदलाव आया है क्या, या कभी पहले पुलिस से वास्ता पड़ा था? नहीं, मेरा तो पुलिस से कोई वास्ता ही नहीं पड़ा था, तो मुझे तो पता भी नहीं था कि पुलिस में रैंक्स क्या होते हैं या किस तरीके से काम होते। बस चूँकि मैं चंबल से हूँ तो वहाँ शुरू से ही डकैत रहे हैं और पुलिस उनसे मुकाबला करती रही है, तो पुलिस को हमारे यहाँ हमेशा से श्रद्धा की निगाह से देखा जाता था, आज भी देखा जाता है। तो मेरे मन में भी पुलिस विभाग के प्रति श्रद्धा थी और फिर पुलिस में खुद ही आ गए तो फिर हमारी वो श्रद्धा और बढ़ गई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे विजय खत्री जी, अगली बार हम फिर किसी नए सारथी के साथ हाजिर होंगे, नए अफसर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।